दिया मोमबत्ती पूजा सामग्री सब आ चुके हैं। बस अब ये सोच रही हूँ कि रंगोली का डिजाइन क्या बनाऊं। अरे तुम क्यों सोच रही हो रंगोली का डिजाइन? बोल गई, पिछले साल तुमने विद्या रानी कसम खा के बोला था कि रंगोली इस साल मुझे बनानी होगी। मैंने डिजाइन फाइनल कर दिया है, दिखाओ। ओहो, इसीलिए तुम्हें नहीं बनाने देती। अरे रंगोली में फूल होते हैं, दिल नहीं होता। अच्छा ये बताओ, पिछली बार दिवाली में जब लाइट हटाई थी तो कहाँ रखी है? मिल नहीं रही। लाइट की चिंता मत करो, मैं लगा दूंगा आके। मैंने बहुत बढ़िया आइडिया सोचा है। क्या होगा ना, वो एक दिल बना होगा, दिल के बीच में ऐसे तीर जाएगा, झपक झपक करके जाता है ना, और दोनों तरफ से हमारी फोटो नजर आएंगी। फिर वही दिल। अच्छा तुम वहां बैठे हो, यहाँ होते ना पहले तुम सारा काम करते और फिर मैं सारे उस काम को ठीक से करती। अरे अपनी इसी अदा से तो आपको कॉलेज के जमाने से रिझा रहा हूँ चारुलता जी। भूल गई, जान बूझ कर अपने सारे असाइनमेंट गलत किया करता था ताकि तुम आओ और बोलो उफ़ो चंद्रू फिर से तुमने गलत कर दिया, लाओ मैं ठीक कर देती हूँ। प्रोफेसर चार्ज की क्लास में कितना मजा आता था ना। अच्छा ये बताओ तुम आ कब रहे हो? ऑफिस का काम बोल के दो दिन के लिए गए थे, अब ट्रेन छोड़ के वहीं बैठे हो गेस्ट हाउस में। अरे टिकट पे AM PM के चक्कर में कंफ्यूज हो गया। मैं रात के 8 बजे स्टेशन पहुंचा तो मालूम चला ट्रेन तो टाइम पे थी, मैं 12 घंटे लेट हो गया। और अब 5 दिन तक ये ट्रेन है नहीं, बाकी ट्रेनों में सीट नहीं है और बस में मुझे आने का मन नहीं है। वैसे भी मुझसे ज्यादा तुम्हारे लिए तुम्हारा काम इम्पोर्टेंट है। अच्छा तुम्हारी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है? हाँ नहीं है। तुम्हारे सपोर्ट के बिना मैं कभी ऊपर नहीं पहुंच पाता। तुम नीचे से स्टूल पकड़ती थी तब मैं ऊपर चढ़ के पंखा साफ कर पाता था। खुद तुम्हारे साथ दिवाली की सफाई तैयारी सब बहुत मिस कर रहा हूं। और उससे भी ज्यादा मिस कर रहा हूं तुम्हें अपने सामने देख। अरे देख तो रहे हो, देख लो। अच्छा सुनो, मैंने ना सबके लिए दिवाली गिफ्ट सोच लिए हैं, अब तुम जल्दी आ जाओ तो साथ में बैठ के। अरे वो सब मैंने पहले ही कर दिया है, वो शुरू हो गया है ना Amazon Great Indian Festival, और तुमको तो पता ही है कि वहाँ हर चीज पे बहुत अच्छी डील मिल जाती है। तो अम्मा के लिए वॉकिंग शूज, बच्चों के लिए फिटनेस बैंड और अपनी नटखट सालियों के लिए साड़ी ले ली। आशा रोज काम पे लेट आती है, तुम्हें निराशा होती है, तो उसके लिए अलार्म क्लॉक ले लिया गया। और मेरे लिए? हमारे लिए ईयरफोन, हेडफोन। अरे मैं इतने दिनों से तुम्हें कह रही हूँ ना कि मुझे बड़ा टीवी चाहिए। अरे ईयरफोन में सुनने में मजा आता है मैडम। तो ठीक है, तुम भी ना सिर्फ मुझे सुनो, देखो नहीं। ए, अरे सुन, रुक, सुनो तो चारो का ये कट क्यों कर? अरे यार ये चारो 2 घंटे हो गए, तुम्हारा चेहरा देखे बिना खाना नहीं हजम हो रहा है। कितनी देर से पवन मुक्तासन कर रहा हूँ, पवन मुक्ति नहीं हो रही है। तो अजवाइन खा लो ना, वो तुम्हारा ट्रॉली बैग है ना, उसके अंदर जो जिप पॉकेट है उसमें एक छोटी सी डिब्बी रखी है। वो आते वक्त झांसी स्टेशन पे अम्मा आ गई थी मिलने के लिए, उनको डब्बा दिख गया, पसंद आ गया तो मैंने दे दिया। यू नो तुमसे बड़ा अम्मास बोया मैंने आज तक नहीं देखा। एक काम करो, ये हेडफोन भी अपनी अम्मा को ही दे दो। ये बार बार हेडफोन बोलना बंद करो ना, जो डीजे लोग होते हैं ना कान पे ऐसे लगा के सीडी साफ करते हैं उसे हेडफोन कहते हैं। अरे एक ही बात है। अरे एक ही बात कैसे? हेडफोन कोई एक आदमी सुन सकता है, ईयरफोन 2 लोग एक साथ सुन सकते हैं, इसीलिए तो लिया है। सोचो शाम का वक्त होगा, हम दोनों छत पर बैठे होंगे, दोनों के हाथ में एक एक चाय की प्याली होगी और एक एक कान में एक एक ईयरफोन होगा और एक रोमांटिक गाना बज रहा होगा, दोनों एक साथ सुन रहे होंगे। मुझे रोमांस से ज्यादा ड्रामा पसंद है जो टीवी पे आता है, और जो चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो सबसे अच्छी होनी चाहिए ना मेरे पास। तो मैं हूँ ना सबसे अच्छा। मैं टीवी की बात कर रही हूँ। तुम सारा दिन काम में बिजी रहते हो, बच्चे भी बाहर हैं, मैं अपना सारा टाइम टीवी के साथ ही बिताती हूँ ना। लक्ष्मण झूले पे प्रपोज करते वक्त रिंग गिर गई थी तो तुमने क्या बोला था? मैं तुम्हारे लिए अमेज़न जंगल से भी रिंग ढूंढ निकालूंगा। और अब अमेज़न से एक बड़ा टीवी नहीं ढूंढ पाए? अरे ढूंढ तो लूंगा, अभी जल्दी क्या है, थोड़ा टाइम बाद ले लेंगे। अभी जब नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन है तो अभी ले लेते हैं ना, बाद में छोटी छोटी किस्तों में पे करते रहना। चारू ये EMI का चक्कर बहुत महंगा पड़ता है, इंटरेस्ट भरते भरते सामान में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। अरे जब नाम ही नो कॉस्ट EMI है तो कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। वो तो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, ये
बड़ा टीवी लेने की जरूरत क्या है? क्यों नहीं है? पूरे महीने भर में तुम्हारे पेट से ज्यादा वो टीवी खराब रहता है। और सुनो, जब बड़े टीवी में देखेंगे ना, सब कुछ बड़ा बड़ा नजर आएगा तो बहुत मजा आएगा, सच। अरे उल्टा मजा खराब हो जाता है, जैसे थिएटर में फ्रंट रो में फिल्म देखने पे होता है। हीरो हीरोइन सरसों के खेत में आते हैं, एक दूसरे से मिलने के लिए दौड़ते हैं, तो कभी इधर देखो, कभी उधर देखो, कभी इधर देखो, कभी उधर देखो, गर्दन जो है गाड़ी की वाइपर की तरह ऐसे 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 हिलती रहती है। तुम्हें पता है टीवी प्यार की निशानी होती है, जितना बड़ा टीवी उतना बड़ा प्यार। मिश्राइन के पति का प्यार एक साल में 34 से 55 इंच हो गया और तुम्हारा प्यार पिछले 24 साल से 24 इंच का ही है। ऑब्जेक्शन चारू जी, प्यार बड़ा होने के साथ साथ टिकाऊ भी होना चाहिए। याद है कि टीवी मैंने तुम्हें शादी वाले दिन गिफ्ट किया था, और मेरी नटखट सालियां मेरे जूते नहीं चुरा पाई थी तो उसी टीवी का रिमोट चुरा के मुझसे पैसे हड़पना चाहती थी, लेकिन वो रिमोट मैंने सफाई की जेब में छुपा लिया और उसके साथ 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 फेरे लिए। इसका मतलब समझती हो कि टीवी भी 7 जन्म तक तुम्हारा साथ निभाएगा। जी माफ करो, 7 जन्म में तो मैं तुमसे भी पक जाऊंगी, उस डब्बा टीवी को तो भूल जाओ। लेकिन स्मार्ट टीवी से इंसान कभी बोर नहीं होता। एक मिनट, अभी स्मार्ट टीवी क्यों? शादी के इतने साल बाद भी तुम तो स्मार्ट हुए नहीं, कम से कम स्मार्ट टीवी ले लो। तुम तो मेरी बात सुनते नहीं, लेकिन इस स्मार्ट टीवी में जो वॉइस का बटन दबाऊंगी ना, वो एक बार में मेरी बात सुन लेगा और मैं जो चाहूंगी वो दिखा भी देगा। फिर भी कुछ देख नहीं पाओगे चारू जी। हाँ, गुजराती थाली याद है, ढोकला पापड़ा थेपला, इतना सब कुछ देख के कंफ्यूज हो गई थी कि पहले क्या खाएं या ना खाएं। स्मार्ट टीवी गुजराती थाली है, इतना सब कुछ होगा कि कंफ्यूज हो जाओगी कि पहले क्या देखना है या नहीं देखना है। इसमें भी कहाँ देख पाती हूँ, मन तो मेरा भी करता है ना कि बारिश के मौसम में लाइट बंद करके तुम्हारे पास बैठ के तुम्हें हॉरर फिल्म दिखाऊं, ताकि तुम डर के मुझे पकड़ लो। लेकिन जैसे ही बादल गरजते हैं तुम टीवी का प्लग निकलवा देते हो कि कहीं टीवी जल ना जाए। कम से कम स्मार्ट टीवी जलेगा तो नहीं ना। अगर तुम्हें मेरी खुशी की परवाह नहीं है ना, तो मैं भी क्यों परवाह करूं? अब ना तुम्हें मेरी शक्ल तभी दिखाई देगी जब मुझे इस घर में बड़ा टीवी दिखाई देगा। बाय। मैम, अमेज़न से आपका ऑर्डर। तुम्हारा दिवाली सरप्राइज मिला, स्मार्ट टीवी। पर तुमने ये सब कैसे? जैसा कि भाटिया साहब कहा करते थे, एवरीथिंग इज प्लान्ड। और मुझे अमेज़न के ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में अच्छी एक्सचेंज डील मिल गई, तो तुम्हारे उस पुराने टीवी को एक्सचेंज ऑफर में डाल के उसकी जगह नया टीवी ले लिया। स्मार्ट थिंकिंग। नहीं, पर तुम क्या रही थी, मैं शादी के बाद भी स्मार्ट नहीं हुआ। अब मेरे साथ रहने का कुछ तो असर होगा ना चंद्रु। पर ये बताओ, तुमने ये लिया कब? मुझे पता है तुम्हें टीवी देख के कितनी खुशी मिलती है, पर तुम्हारी खुशियों पे रोक न लगे इसलिए मैं ट्रेन में ही बैठ के ऑर्डर कर रहा था। अंदर नेट नहीं चल रहा था तो बाहर उतरा और पीछे से ट्रेन चली गई। और तुम्हारा सामान? वो तो बगल सीट वाले ने अंकल कैच बोल के खिड़की से बाहर फेंक दिया। अब क्रिकेट खेले 30 साल हो गए तो कैच ड्रॉप कर दिया। वो तो अच्छा हुआ कि कपड़े का बैग था, अटैच ही होती तो टाइम हो जाती। मतलब वो टिकट पे एएम पीएम वाली बात झूठ थी? क्या जरूरत थी तुम्हें ट्रेन में ऑर्डर करने की? अरे मैंने सोचा ट्रेन में ऑर्डर कर दूंगा तो टीवी और मैं दोनों साथ घर पहुंच जाएंगे। टीवी तो पहुंच गया और तुम उधर ही फंस गए। अब देखो ना, त्योहार के मौके पे दोनों अलग अलग बैठे। डोंट वरी चारुलता जी, तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। ये देखो, बस का टिकट।
आज रात 8 बजे। पर तुम्हें तो बस में उल्टी आती है ना। अरे अब मेरी खुशी में भी रोक नहीं लगनी चाहिए ना, और मैं खुश होता हूँ तुम्हें देख के, तो एडजस्ट कर लूंगा, उल्टी की दवा ले लूंगा, और वैसे भी विंडो सीट है। एक मिनट, इस टिकट में तो 1 AM लिखा है। क्या? और झूठ बोलो, सच हो गया ना? अरे डोंट वरी चारुलता जी, मैं कुछ करता हूँ ना, मैं फ्लाइट में आ जाता हूँ, फ्लाइट में आरएसी लेके आ जाता हूँ, फ्लाइट में तो आरएसी होती नहीं है ना। तो एक काम करता हूँ, मैं क्या करूँगा, उसको सोनू को फोन कर देता हूँ, सोशल मीडिया पे मैसेज छोड़ देता हूँ सोनू के लिए, वो घर छोड़वा देगा, वो सबको घर छोड़वा रहा है। सोनू, हे गाइस, इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और इस त्योहार अपने लिए, अपने घर वालों के लिए या अपने घर के लिए जो कुछ भी लेना है खुशी खुशी ऑर्डर कर दीजिए, क्योंकि 17 अक्टूबर से है Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, जहां मिल रहे हैं बड़े ब्रांड्स पर बड़ी डील्स, नो कॉस्ट EMI और ग्रेट एक्सचेंज ऑफर्स, ताकि खुशियों पे रोक न लगे। ऑल्सो प्लीज फॉलो अस ऑन Instagram, और इंस्टा हैंडल इज TVF क्यूट्यापा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द वायरल फीवर।